नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जी जसवाल। आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। दोस्तों, आधार सेंटर खोलने के कुछ नए आसार दिख रहे हैं, जैसे कि एक डी जी मेल पर मेल आया हुआ था आधार चाइल्ड इनरोलमेंट के ऊपर। दोस्तों, अगर आप भी आंध्र प्रदेश के अस्थायी निवासी हैं तो आपको भी ये मौका आने वाले समय में मिल सकता है कि आप भी टैप के माध्यम से आधार इनरोलमेंट का काम कर सकते हैं, जो कि चाइल्ड लेवल पर यह काम होगा। इसी पर मैं विस्तार से आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। ये जानकारी ओनली आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए है जो कि CSC और EYD के बीच कुछ करार हुए हैं, जिसके तहत आंध्र प्रदेश में नवजात बच्चों का आधार कार्ड आप बना सकते हैं टैप के माध्यम से। तो इसी के ऊपर मैं विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप भी आंध्र प्रदेश के हैं तो आप लोग इस जानकारी को विस्तार से ले लीजिए। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी नए यूजर से करूँगा गुजारिश, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं डीजी मेल ओपन किया हूँ। यहाँ पे 28 अगस्त को एक मेल आया था, लॉन्च ऑफ शिशु आधार प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। जैसे ही आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे मोर पे, तो आपके सामने एक नया टैब खुलेगा जहाँ पे इसकी पूरी जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दी गई है। आप लोग इसे पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है, आंध्र प्रदेश में CSC के माध्यम से शिशु आधार परियोजना का शुभारम्भ। CSC SPV ने 15 अगस्त 2018 को शिशु आधार के तहत सभी नवजात बच्चों को नामांकित करने के मिशन के साथ शिशु आधार परियोजना शुरू की है। इस मिशन का लक्ष्य प्रति वर्ष 8 लाख नवजात बच्चों का नामांकन है। नवजात बच्चों के लिए अद्वितीय पहचान प्रदान करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, हर साल 8 लाख नवजात बच्चों का नामांकन है। तो 8 लाख बच्चों का जो नामांकन है, तो ये 100 और 200 ऑपरेटर की बस की बात नहीं है। यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 500 या फिर 1000 या फिर ऊपर भी संख्या जा सकती है आधार ऑपरेटरों की। तो अगर आप भी इच्छुक हो तो अपने CSC के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं कि ये योजना कैसे हम लोगों को मिलेगी और हम लोग कैसे शिशु आधार परियोजना के साथ जुड़ के इसमें काम कर सकते हैं। आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं। आगे यहाँ बताया गया है, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय सरकार आंध्र प्रदेश PHRFW ने आंध्र प्रदेश के प्रत्येक पंजीकृत अस्पताल में नवजात शिशुओं को आधार पंजीकरण प्रदान करके इस बाल आधार परियोजना को करने का फैसला लिया है या फिर किया है। CSC SPV आंध्र प्रदेश में इस प्रतिष्ठित परियोजना को VLE नेटवर्क की विशाल श्रृंखला के साथ कार्यान्वित कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो CSC के SPV हैं या फिर जो VLE भाई हैं का बहुत ही बड़ा विशाल श्रृंखला है। ये तो कंफर्म है कि पूरे भारत में आधार का प्रोजेक्ट हो या फिर किसी और का प्रोजेक्ट जो कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से होता है, उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा वर्चस्व VLE भाइयों का है, जो कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से इस लिस्ट में अपना नाम बनाया है और CSC को कहां से कहां पहुंचाया है इसमें जुड़कर। इसमें आगे और पढ़ लेते हैं लोग, 15 अगस्त 2018 को जिलों के विभिन्न अस्पतालों में CSC VLE द्वारा कृष्णा और गुंटूर जिलों में नामांकन शुरू हुआ है। VLE ने 153 नए शिशु आधार पंजीकृत किए हैं। कृष्णा और गुंटूर जिलों में 56 अस्पतालों में 138 आधार अपडेट किए। VLE ने कुछ निजी अस्पतालों में भी नामांकन किया। तो कहीं ना कहीं इससे ये दिख रहा है कि आने वाले समय में आंध्र प्रदेश के जितने भी VLE भाई हैं उनको शिशु आधार परियोजना के तहत काम मिल सकता है और वे आधार इनरोलमेंट का काम कर सकते हैं टैब के माध्यम से। दोस्तों, इसके रिलेटिव अधिक जानकारी के लिए आप लोग अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके इस शिशु आधार परियोजना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करके इस योजना के साथ जुड़ के इसमें काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स। जय हिंद। वंदे मातरम।